देखिए, लगातार आंदोलन 26 दिन से चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, और प्रदेश भर में जो ये किसान आंदोलन है उसका मैसेज जा भी रहा है। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको हम देखते हैं कि वो किसान पुत्र है और किसान हितैषी है, तो उन्होंने लगातार अपनी घोषणाओं को पूरा करते जा रहे हैं। तो हम उनसे आज भी उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं, सरपंच संघ ने लगातार समर्थन दिए हैं आज भी, और अपील ये करते हैं कि ये आंदोलन को जितना जल्दी हो सके, हमारी जो मांग है 5 सूत्री मांग, 2005 में जो क्रय विक्रय बंद किया है, प्रतिबंधित है, उसको हटा दिया जाए। 1200 स्क्वायर फीट जो वयस्कों को रोजगार देना है उसको लाभ प्रदान किया जाए। वयस्कों को जो यहाँ से प्रभावित है उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, और जो 4 गुना मुआवजे की बात थी उसको तत्काल जो प्रभावित है उनको दिया जाए, और बहुत सारे जो समस्याएं थी और जैसे ऑडिट आपत्ति वगैरह, तो उनको ख़त्म करके तत्काल निराकरण करते हुए किसानों के खाते में बोनस की जो राशि है उस पैसे को, रुके हुए 3 साल के जो पैसे हैं उसको खाते में हस्तांतरित किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि यथाशीघ्र इस समस्या का हल करें, किसानों की जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। देखिए, सरकार की ओर से बुलावा आया जरूर था, लेकिन कोई लिखित सूचना नहीं मिला था, जिसकी वजह से किसानों को और सही समय पर सूचना नहीं मिलने की वजह से बैठक पे भाग नहीं ले पाए। हम उनसे निवेदन किए हैं कि अगर लिखित तौर पे किसानों को बुलाते हैं तो बिल्कुल चर्चा में बैठेंगे और इस समस्याओं को हल करने के लिए उस पर चर्चा किया जाए। मेरा नाम सुजीत कुमार गिदौड़े है, सरपंच संघ अध्यक्ष, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।